हेलो फ्रेंड्स, आप फिर एक बार फिर जुड़ चुके हैं टुडे जरा के साथ, जो कि आपको डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहा है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं इस चैनल की उसको शेयर करें, उसके साथ साथ जो न्यू व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन होगा उसको दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हम चुनावी प्रक्रिया का जो माहौल है, किस तरह का इस लंबेड़ी नौशहरा बगनोटी यानी कि नौशहरा लोकेलिटी के अंदर जो किस तरह का माहौल है वो जो है किस तरह का है वो, उसके बारे में हम आपको रूबरू करवा रहे थे। तो उसी के चलते आज हम बगनोटी में सर्वेस जो हैं इलेक्शंस के वो कर रहे हैं, यानी कि जनता की क्या राय है और जो उन्होंने प्रतिनिधि यानी कि जो उम्मीदवार जो हैं जो सामने आ रहे हैं उनकी क्या राय है इन इलेक्शंस को लेते हुए, उसी के सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जो चक जराला है वहाँ से पंच के रूप में जो सामने आए हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है। अंकुश जी, आपका भी धन्यवाद। उसके बाद विशाल जी, पंचेस का रोल हमेशा से ही जो है उसको कम देखा गया है कि पंचेस जो होते हैं उनके चुनाव जो होते हैं सरपंच के इलेक्शंस के चलते एक ऐसा नहीं है कि पंचेस का रोल नहीं है, लेकिन पंचेस को हमेशा से कम दर्जे वाला जो इलेक्शंस उसमें समेटा जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। अब इसके बाद जो आपने प्रश्न किया है कि पंचेस का क्या रोल है, ये पंचेस का सर यो है कि सरपंच से भी इम्पॉर्टेंट जो है वो पंचेस का रोल रहता है। पंचेस ऐसे हैं जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़े होते हैं। सरपंच जो है जो ऊपरी स्तर पे आ गया वो पूरी पंचायत को देखता है सरपंच, और पंच जो हैं वो हर एक कोने कोने तक अपनी वार्ड, वो क्या होता है कि सरपंच ने आगे डिवाइड किया हुआ है, कुछ क्षेत्र जो है वो डिवाइड किया होता है, इसीलिए डिवाइड किया होता है कि वो जो है कि कोई भी जो डेवलपमेंट के काम या किसी भी किस्म की समस्या हो वो सुलझा सके, इसलिए सरपंचेज के आगे पंचेज होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी किसी भी कोने का कोई भी जो जो दायरा होता है जो भी, वो उसमें ये है कि पंचेस अपनी जो भी समस्या है अपनी वार्ड की वो सरपंच तक पहुंचा सकता है और अच्छे से बता भी सकता है, क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला कि जो पंचायत होती है उस पूरी पंचायत को जो है सरपंच देखता है। अब ये छोटे छोटे जो वार्डें बनी होती हैं वो पंचेस देखते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पंचेस का। उसके बाद विशाल जी, जिस तरह से आपने पंचेस के लिए यानी कि पंच का उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा, उसके पीछे कोई खास वजह? सर अंकुश सर, मैं तो पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई रुचि नहीं थी पंचेस का इलेक्शन लड़ने में। जब लोगों ने मुझे मेरे पे भरोसा जताया और मुझे पर्सनली बोलने लगे कि आपको आना चाहिए इलेक्शन में, आप नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो ये हमारा जो ये जो इसका स्तर है पंचायत का जो भी है ये घटता जाएगा, नौजवानों को चाहिए कि आगे आए। इसलिए जब मुझे प्रेरणा मिली लोगों से कि भाई आपको आगे आना चाहिए, तो मैंने मंथन किया, तो उसके बाद फिर मेरा भी जो है रुचि बन गई, माइंड सेटअप हो गया कि चलो पंचेस का इलेक्शन लड़ते। तो इसके साथ जो लोगों का हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, आप पर विश्वास जताया गया, आपने कहा कि आपकी रुचि नहीं थी लेकिन पर्सनली लोगों ने आपसे आकर आपकी राय लेनी चाहिए और उसके बाद आपने माइंड सेट किया और उसके बाद आप सामने आए, तो इसके पीछे कोई हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, तो लोगों का क्या कारण रहा होगा आपके विचार में? अंकुश सर, मैं एक ये बात बताता हूँ कि ये पंच सरपंच का कोई मैटर नहीं है। अगर ये जिम्मेदारी देंगे, जनता मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं बहुत अपने दिल से पूरा करूँगा और 100% कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से हो। ये भी नहीं है कि मैं पूरी करूँगा, ईमानदारी आदमी में ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने पूछा कि इसका कारण क्या है जो लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, कि मैं अगर एक पंच या सरपंच ना होने के कारण भी एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवक हूँ, उसका ये कारण है कि जैसे अभी पहले कुछ जैसे आप पानी का ले लो, एक समस्या पानी की इतनी समस्या थी कि हमारे जो बीसी से आता था ग्रेविटी सिस्टम है वो बंद हो गया, पानी तो बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ की बहुत मार्केट की, विशेषकर मार्केट की बहुत समस्या थी पानी की, यहाँ पे किसी दुकान पे जाओ
कोई लोग आते हैं मार्केट में, दुकान पे बैठते हैं, तो दुकान वालों को किसी को बोलो कि एक गिलास पानी चाहिए हमें, वो पानी नहीं होता था पिलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी में ये जो बावली चश्मे वगैरह ये भी सूख जाते हैं जी। इस ये कारण था मेन। तो किसी को कुछ डॉक्टर की दुकान पे आकर जाओ आप, उसने अगर मेडिसिन या दवाई लेनी है उस समय, तो वो पानी पीने के लिए एक गिलास नहीं होता था, पानी का एक गिलास नहीं होता था। इसलिए ये सब देख के तो मैं जय साहब के पास गया, AW साहब से संपर्क किया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे पानी का टैंकर लग गया, हर तीसरे दिन हमारे यहाँ पे सप्लाई देने के लिए आते थे, और जो भी इस ग्रेपी सिस्टम से जुड़ा हुआ था वहाँ पे वो टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया गया। ये भी नहीं, इसको ये तो एक हो गया, अभी दूसरे जो जिनके घर में जो पानी की सप्लाई नहीं थी, जैसे नलका नहीं लगे हुए थे, उनके साथ भी हम गए, हम उनके साथ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि वो उस पंचायत का या दूसरी पंचायत का, जहाँ भी मुझे किसी ने बोला और मैं उसको अपना भाग्य समझता हूँ कि मुझे भी कोई इतना काबिल समझता है कि मेरे पास समस्या लेके आता है, तो मैं उसको बखूबी उसका अंजाम तक पहुँचाता हूँ। तो युवाओं का रोल अगर बात की जाए तो बहुत ही बड़ा रोल रहता है किसी भी, चाहे वो चुनावी माहौल हो या किसी भी तरह का मैटर हो। तो आपकी जो वार्ड नंबर 3 यानी कि चकजराला में आप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वार्ड नंबर 3 में एज अ पंच आप किस तरह से देखते हैं युवाओं को? अंकुश सर, ये है कि युवाओं का जो रोल होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। युवाओं का जो साथ है वो मेरे साथ है, जो सहयोग है वो मेरे साथ है, तो ये आने वाले 20 तारीख को ही पता चल जाएगा आपको सर। तो उसके साथ साथ अगर बात करूँ चुनाव चिन्ह की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हर एक जो उम्मीदवार होता है उसको इलेक्शन सिंबल जो है यानी कि चुनाव चिन्ह है वो देता है, तो उसके बारे में जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ उनको बता देंगे। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि विशेषकर जो हमारे पंचायत चकजराला से वार्ड नंबर 3 के जो दर्शक देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरा जो निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस सिलेंडर का पे वोट दें, अपना महत्वपूर्ण वोट दें, जो कि मेरे लिए आशीर्वाद होगा। आप सबका, आपका एक एक वोट जो है मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए आप जो वोट देंगे, मैं जो उम्मीद रख के मुझे वोट देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा उसका लाभ दूंगा। और इसके साथ साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उन सब समस्याओं का समाधान करने में मैं पूरा प्रयास करूँगा तन मन धन से। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 चकजराला से युवा पंच के लिए। पंच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं चुनावी अगर माहौल को देखा जाए तो, पंच के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ विशाल जी के आने वाले चुनाव में युवा के साथ साथ एक्सपीरियंस कैंपेनर भी आप पे विश्वास जताएंगे और आप विजयी होंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद अंकुश जी। और उसके साथ साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टुडे ज़रा के लिए मैं अंकुश।